22 मई 2022 को हरिद्वार के उत्तराखंड के अंदर जन अधिकार मोर्चा ने संतों को न्याय कब मिले इस मुद्दे को लेकर एक राष्ट्रीय अधिवेशन रखा था, जिसमें अलग अलग राज्य के संत इकट्ठा हुए थे। अधिवेशन पूरा होने के बाद मीडिया ने जब प्रश्न किया जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा जी से कि इस अधिवेशन में केवल राम रहीम जी की बात हो रही है या और भी संत जेल में हैं, जैसे कि संत आसाराम जी बापू, तो इस प्रश्न के जवाब में क्या कहा जन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश शर्मा जी ने। राजेश, खाली संत राम रहीम के बारे में बात कर रहे हैं कि और लोग भी संत हम लोग जो जेल में बने, जैसे आसाराम बापू भी है? जी बिल्कुल, हम लोग संत राम रहीम जी की बात करते हैं, संत आसाराम बापू जी की भी बात करते हैं, क्योंकि संत आसाराम बापू को अगर हम लोग लें सनातन धर्म के अंदर स्वदेशी के लिए और हिंदुत्व के लिए, संत आसाराम जी बापू ने बहुत अच्छे कार्य किए। लेकिन जो कोर्ट कह रहा है कि जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप है, उसका क्या कहना है? देखिए, कोर्ट का जो फैसला है ये अंतिम फैसला नहीं है, परंतु हम कहते हैं कि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है, हम लोग दोषी कहने में जल्दबाजी ना करें। विभिन्न राज्यों से संतगण पहुंचे हैं और संत समाज ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 25 अगस्त को दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन जन अधिकार मोर्चा में अपना वक्तव्य देते हुए मथुरा के महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने क्या कहा संत राम रहीम जी और संत आसाराम जी बापू को लेकर। केवल राम रहीम जी हो जाए, आसाराम हो या महापुरुष कोई भी हो, उन महापुरुषों की बुराई तुम्हें नजर आती है, पर उन महापुरुषों का कोई भी अच्छा कर्म जिनके कारण आपके घरों में हिंदुत्व की पूजा होती है, जिनके कारण सनातन आपका सुरक्षित है, ऐसे संत महापुरुषों को आप एक नेत्र सीधी देती है परंतु अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती, उन घरों में दीपक जल रहा है, उन घर में सनातन बच रहा है, उनकी वो अच्छाई आपको दिखाई नहीं देती, अनेकों अनेकों माता बहनों को निःशुल्क पढ़ाई दी जा रही है, उनको भोजन दिया जा रहा है, अनेक वृद्ध महापुरुषों को उनके आश्रमों का आश्रय दिया जा रहा है, परंतु वो सेवा नजर नहीं आती, सत्य की बुराई आप लोगों को नजर आती है। इसीलिए कान और हृदय मजबूत करके जन मोर्चा के साथ मैं महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद हिंदू युवा क्रांति संत सुरक्षा मिशन की तरफ से यह घोषणा करता हूँ, जब भी जरूरत पड़ेगी सनातन को बचाने के लिए, किसी भी महापुरुष पर लालचन लगाने के लिए, अगर कोई लालचन लगाता है उससे पहले उसे सोचना चाहिए कि हमने किसी महापुरुष पर लालचन लगाया है, तो एक बार सोचने उसे याद होना चाहिए कि ऐसे महापुरुष उनके पीछे खड़े हैं, ऐसे महापुरुष उनके पीछे खड़े हैं। इसीलिए कलयुग में संत कर सकती है, हे महापुरुष, उत्तिष्ठ जागृत प्रभु।